गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास फोर्थ में आपका चैप्टर फोर पढ़ा रही हूँ, पापा जब बच्चे थे, उसका फर्स्ट पार्ट मैं आपको भेज चुकी हूँ। आई होप आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ आपका पार्ट टू, चैप्टर फोर का ये पार्ट टू है आपका, ठीक है बेटा। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको इसकी स्टोरी बता देती हूँ कि इसमें जो छोटा बच्चा है वो क्या है, वो अलग अलग कार्यों को बताता है कि मैं बड़ा होकर ये बनना चाहता हूँ, मैं आइसक्रीम बेचने वाला बनना चाहता हूँ, मैं चौकीदार बनना चाहता हूँ। लेकिन वो एक रेलवे स्टेशन पर गया, उसने देखा कि एक आदमी डिब्बों से कभी प्लेटफॉर्म पर जाता है और कभी वो डिब्बों में जाता है, तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं भी यही बन जाऊं, मैं भी शंटिंग करने वाला बनूंगा। लेकिन अब उससे पूछा गया उस बच्चे से कि आप तो कह रहे थे कि मुझे आइसक्रीम बेचने वाला बनना है, तो आज आप ये क्यों कह रहे हैं कि मैं शंटिंग वाला बनूंगा। तो वो थोड़े कंफ्यूज हो गए। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं दोनों ही कार्य करूंगा, मैं शंटिंग वाला भी बनूंगा और आइसक्रीम बेचने वाला भी बनूंगा। चलिए अब देखते हैं कि वो आगे और इस चैप्टर में क्या बताते हैं। सबको बहुत अचंभा हुआ, उन्होंने पूछा तुम दोनों काम एक साथ कैसे करोगे। अब उन्होंने कहा कि आप दोनों काम एक साथ कैसे करोगे, आइसक्रीम बेचने वाला भी बनोगे और शंटिंग करने वाला भी बनोगे। पापा ने कहा इसमें क्या मुश्किल है, आइसक्रीम मैं सुबह बेचा करूंगा, कुछ देर आइसक्रीम बेचने के बाद मैं रेल में स्टेशन चला जाया करूंगा, वहां मैं कुछ डिब्बों की शंटिंग करूंगा और फिर जाकर कुछ आइसक्रीम और बेच आऊंगा। अब देखिए बच्चा कितना चतुर बन रहा है अपने में कि उसने कहा कि नहीं, पहले सुबह सुबह आइसक्रीम बेच लूंगा, फिर शंटिंग करी आया करूंगा रेल के डिब्बों की, और फिर उसके बाद आकर फिर आइसक्रीम बेचने लगूंगा। इसके बाद मैं फिर स्टेशन चला जाऊंगा, कुछ डिब्बों की शंटिंग कर लूंगा, इसके बाद जाकर फिर आइसक्रीम बेच लूंगा। देखिए बच्चे की नादानी कितनी है कि बच्चा कह रहा है कि जाऊंगा फिर शंटिंग करके फिर आइसक्रीम बेच लूंगा, फिर शंटिंग करके फिर अपना आइसक्रीम बेचना शुरू कर दूंगा। इसमें ज्यादा मुश्किल नहीं होगी क्योंकि अपना ठेला मैं स्टेशन के पास ही खड़ा करूंगा और इसे गाड़ियों के लिए मुझे ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। देखिए कितना चतुर दिमाग है कि नहीं, आइसक्रीम का ठेला तो मैं कहाँ लगा सकता हूँ, रेलवे स्टेशन पर खड़ा कर सकता हूँ, तो कभी आइसक्रीम के ठेले पर आकर खड़ा हो जाऊंगा और कभी शंटिंग कर लूंगा। सब लोग फिर हंस पड़े। पापा गुस्से में आकर बोले अगर तुम मेरी हंसी उड़ाओगे तो मैं साथ में चौकीदार भी बन जाऊंगा। अब बच्चा इतना नादान है, उसने कहा कि सब बड़े उसकी बात सुनकर कह रहे थे कि भाई ये वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया दिया है, देखिए कैसा है ये बच्चा। तो क्या है, पापा को गुस्सा आ गया, छोटे हैं ना क्योंकि बहुत ही, तो बच्चे की जब हम हंसी उड़ाते हैं तो उसको लगता है ना कि सब लोग मेरी हंसी बना रहे हैं, तो उसने कहा कि अगर आप लोग मेरी सब हंसी बनाओगे ना तो मैं क्या कर लूंगा, मैं चौकीदार भी बन जाऊंगा। आखिर रात में करने के लिए होता ही क्या है। अब बच्चे को तो ये पता नहीं कि आराम भी कितना जरूरी होता है ना, अगर हम पूरे दिन काम करेंगे तो रात को आराम तो जरूरी है। सभी कुछ तय हो गया, लेकिन एक दिन पापा को वायुयान चालक बनने की सूझी, इसके बाद उन्हें अभिनेता बनने की सूझी। इसके अलावा वह जहाज भी बनना चाहते थे, कम से कम वह चरवाहा बनकर लाठी हिलाते हुए गायों के पीछे घूमते हुए अपने दिन बताना तो चाहते ही थे। देखिए अब उसने उसके बाद क्या क्या बताया कि मैं ये भी करूंगा। मैं कुछ समय बाद वो क्या कहीं वो हवाई जहाज से गए हुए, तो उन्होंने सोचा भाई वाह, वायुयान चालक भी बनना बहुत अच्छी चीज है क्योंकि आप नई नई जगह भी घूम सकते हो और आपको इतना अच्छा कार्य भी मिलेगा कि आप क्या है हवाई जहाज को चलाओगे। उसके बाद उन्होंने अभिनेता जो हमारे एक्टर्स होते हैं वो बनने की सोची, क्योंकि उसमें नए नए ड्रेसेस पहनने के लिए मिलते हैं, नए नए रोल करने के लिए मिलते हैं। इसके अलावा उन्होंने जहाज जो शिप जो पानी में चलते हैं वो बनाने चलाने की सोची, और वो कह रहे थे कि नहीं मैं तो पशुओं को भी चला लूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि बहुत सारी घास के मैदान में ले जाओ और पशुओं को वहां पर चरा लो। तो ये छोटे बच्चे की सोच है, उसको नहीं पता कि असली जिंदगी में हमारी क्या होता है। बच्चा है वो अपनी ही सोच के साथ जीता है, उसको जिंदगी की समाज की इस हकीकत का नहीं पता होता। अंत में एक दिन उन्होंने तय किया कि वह असल में जो बनना चाहते हैं वह है कुत्ता। उस दिन वह दिन भर चारों हाथों पैरों इधर उधर भगाते हुए अजनबियों पर भोंकते रहे। एक बूढ़ी महिला ने उनके सिर को सहलाना चाहा तो पापा ने उन्हें काटने की कोशिश की तक की। देखिए अब बाद में उन्होंने क्या हरकत की है कि अंत में उन्होंने तय किया कि मैं कुत्ता बनूंगा। देखिए
अब उन्होंने क्या करा, अपने हाथों पैरों को इधर उधर भगाते हुए अजनबी, जो उन्हें अपने आस पड़ोस में कोई भी अजनबी नजर आता था, वो कुत्ते की तरह व्यवहार कर रहे थे, उस पर भोंक रहे थे। और उन्होंने एक बूढ़ी महिला को भी पर भी भोंकना भोंके और तो उसने उन्होंने उनका सिर सहलाना चाह बूढ़ी स्त्री ने, लेकिन पापा ने उसको काटने तक की भी कोशिश करी। पापा ने भोंकना तो बड़ी अच्छी तरह से सीख लिया, लेकिन बहुत कोशिश करने पर भी वे अपने पैर से कान के पीछे खुजलाना नहीं सीख पाया। बेटा, मनुष्य और जानवरों में यही फर्क है, कुछ ना कुछ तो फिजिकल शारीरिक रूप से हम हमारे अंदर ये सब फर्क होते ही हैं। उन्होंने क्या, जैसे कुत्ता अपने कान को खुजाता है ना पैरों से, ऐसे उन्हें खुजलाना नहीं आया। उन्होंने सोचा कि अगर वह बाहर जाकर अपने पालतू कुत्ते के साथ बैठ जाए तो शायद वह कान के पीछे खुजाना ज्यादा जल्दी सीख पाएंगे। अब उन्हें ये तो पता नहीं था कि हमारी बॉडी में फर्क होता है ना। उन्होंने सोचा, चलिए अगर मैं कुत्ते के पास बैठ जाऊं तो शायद मैं खुजाना सीख लूं। पापा कुत्ते के पास जाकर बैठ गए। उसी वक्त एक अजनबी फौजी अफसर उधर से निकला। अब पापा जाकर बैठ गए कहां, कुत्ते के पास, तो उधर से कौन निकला, एक फौजी जो आर्मी में होता है, वह खड़ा होकर पापा को देखने लगा। वह उन्हें कुछ देर तक देखता रहा और फिर उसने पूछा, यह तुम क्या कर रहे हो। अब आर्मी वाले ने पूछा, जो फौजी व्यक्ति है, आप बेटा पिक्चर में भी देख रहे होंगे, ये जो है कि बेटा ये आप क्या कर रहे हो, ऐसे पूछ लेता है ना। अगर बच्चा कोई अजीब सी हरकत करना शुरू कर देता है तो सभी आस पड़ोस के व्यक्ति भी उनसे पूछ लेते हैं कि ये तुम क्या कर रहे हो। पापा ने जवाब दिया, मैं कुत्ता बनना सीख रहा हूँ। अब वो इतना नादानों से पता नहीं कि मैं क्या कह रहा हूँ, वो कह रहा है कि मैं कुत्ता बनना सीख रहा हूँ। तब फौजी ने पूछा, तुम कुत्ता बनना क्यों चाहते हो। फौजी ने उत्तर बताइए, उसने पूछा कि तुम ऐसी क्या खास बात है कि तुम कुत्ता बनना चाहते हो। पापा ने कहा, क्योंकि मैं काफी दिन तक इंसान बनकर रह चुका हूँ। पापा ने कहा, क्योंकि मैं इंसान बनकर बहुत समय तक रह चुका हूँ, अब मैं क्या बनना चाहता हूँ, मैं कुत्ता बनना चाहता हूँ। अफसर ने कहा, बात तो सही है, पर क्या तुम जानते भी हो कि इंसान किसे कहते हैं। अब बच्चा है, उसे नहीं पता कि इंसान और जानवरों में क्या फर्क होता है ना। उसे कौन बताएगा, उसे तो उसके बड़े लोग ही, घर के व्यक्ति बताएंगे। पापा ने पूछा, मुझे तो नहीं पता, आप ही बता दीजिए। अफसर ने कहा, इसके बारे में तुम अपने आप सोचो। अब अफसर ने कहा, तुम कुत्ता तो बनना चाहते हो, लेकिन आपको पता है कि इंसान किसे कहते हैं। उसने कहा, नहीं, क्योंकि वो तो बहुत ही छोटा बच्चा है, उसे पता भी नहीं है। अफसर वहां से चला गया। वह न तो हंसा और न मुस्कुराया। पापा सोचने लगे, वह सोचते ही रहे। अफसर ने उन्हें कोई, अब क्या है, जब अफसर ने ऐसा कहा तो पापा क्या हो गए, पापा सोच में पड़ गए, है ना। उन्हें बहुत अजीब लगा कि जब उनसे प्रश्न पूछा गया कि तुम इंसान हो और इंसान जैसे बनो, इंसान जैसे कार्य करो, जानवर क्यों बनना चाहते हो, है ना। बात भी नहीं समझाई थी और पर अचानक ही यह बात पापा की समझ में आ गई कि वह रोज रोज अपना इरादा नहीं बदल सकते। अगली बार जब उनसे यही सवाल पूछा गया तो उन्हें अफसर की याद आई और उन्होंने कहा, मैं इंसान बनना चाहता हूँ। अब देखिए, अफसर ने कुछ भी नहीं कहा, उसको कोई जवाब नहीं दिया और वहां से चले गए, है ना। लेकिन उसको क्या, पापा ने सोचा कि मुझसे अफसर ने ऐसी बात क्यों पूछी, और वो क्या है, उन्होंने अपना इरादा बदल दिया। उन्होंने सोचा कि कोई ना कोई इस बात पे बहुत बड़ी बात है कि मैं इंसान बनना चाहता हूँ, कि इंसान बने रहना बहुत ही अच्छी चीज है। हर कोई भी नहीं हंसा और पापा समझ गए कि यही सबसे अच्छा जवाब है। आज भी वह यही समझते हैं। पहली बात तो यही है कि हमें अच्छा इंसान बनना चाहिए। बेटा, इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सबसे पहले कुछ बने ना बने, हमें जीवन में अच्छा इंसान बनना चाहिए। हमें दूसरों को देखते हुए उसकी मदद के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए, हमेशा तैयार रहना चाहिए और किसी की मजबूरी, दुख को भी, कारण को भी समझना चाहिए। आशा करती हूँ कि आप ये पाठ बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और आपको बहुत आनंद भी आया होगा इस पाठ को पढ़ने में, क्योंकि ये आपके बचपन से ही जुड़ा हुआ पाठ है। आप भी अच्छे इंसान बनिए, मैं ऐसी आशा करती हूँ। धन्यवाद।